हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नफीस अहमद। मैं आपका दोस्त नफीस अहमद, एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात दोस्तों सेमिनर 4 के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेमिनर 4 के बारे में। सेमिनर 4 किसे यूज़ करना चाहिए, किसे यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, उनका बेसिक डोजेज क्या है और उनका काम क्या है, वो काम क्या करता है, ये सारी जानकारियाँ आज हम आपको सेमिनर 4 के बारे में देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सेमिलक 4 आखिर काम क्या करता है और वो कितने स्टेज में आता है, ये भी जान लेते हैं। आइए, इसके 4 स्टेज आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 आपको 1 महीने से 6 महीने तक देना है। 1 महीना मतलब बच्चा जिस दिन इशू हुआ, बच्चा जिस दिन पैदा होता है, उस दिन से लेकर के जब तक बच्चे की उम्र 6 महीना नहीं हो जाती है तब तक ये चीज़ आप उसको दे सकते हैं। बच्चे की उम्र जो ही 6 महीना हो जाता है, 6 महीने के बाद फिर आपको सेमिलक 1 नहीं देना है, सेमिलक 2 देना है। सेमिलक 2 बच्चे की उम्र जो ही 6 महीना होता है, 6 महीने से लेकर के 12वें महीने तक आपको सेमिलक 2 देना है और 12वें महीने से लेकर के 18वां महीना जब तक हो जाए इसके बीच में बच्चे को आपको सेमिलक 3 देना है। और अगर 18 महीना क्रॉस कर जाए तो 18 महीने से लेकर 24वां महीने तक आपको सेमिलक 4 देना है। दोस्तों बच्चे की उम्र जब तक 6 महीना पार ना कर जाए तब तक आपको सेमिलक 1 ही चलाना है दोस्तों। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि हम बच्चे को सेमिलक 4 क्यों दें। दोस्तों ये काम करता है बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, बच्चे के बोन को स्पेशलिस्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे की डाइजेस्टिव के लिए, इन सब चीज़ों में ये काम आता है और बच्चे की हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मदद करता है। इनके कंपनी वालों ने इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर दे दिया है, मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। मतलब ये है कि बच्चे के लिए जो सही सबसे ज़्यादा बढ़िया विटामिन है, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया पोषण है, वो आपको माँ का दूध है। दोस्तों माँ का दूध ही एक ऐसा प्रोटीन है से बच्चे को संपूर्ण आहार मिलता है। लेकिन अगर माँ का दूध ही पतला होता हो, अगर उसकी माँ को दूध ही नहीं होता हो, या फिर उसकी माँ का दूध गंदा होता हो, या फिर वो बच्चा जिसकी माँ बच्चे को जन्म देते वक्त ही उसकी माँ डेथ हो गई हो, तो उस बच्चे को आपको कुछ ना कुछ तो देना है। तो उस उम्र में आपको बच्चे उस बच्चे को बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। देखिए आम तौर पर इसके साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। हाँ, अगर ये साइड इफेक्ट आपके बच्चे को करता भी है तो इसका साइड इफेक्ट सिर्फ इतना हो सकता है कि इसको खिलाने के बाद आपके बच्चे का जो पाखाना है जो वो पतला हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ दिखा नहीं जा रहा है। अगर आपके बच्चे का दस्त पतला हो जाए तो आप फौरन इसको रोक दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके डोजेज क्या हैं। दोस्तों देखिए इसके जो डोजेज हैं उसके डोज हैं आपको 30 मिलीलीटर वाटर, 1 चमचा दवाई, 30 मिलीलीटर वाटर, 1 चमचा दवाई। अगर आप 3 चमचा दवाई डाल रहे हैं तो आपको 90 मिलीलीटर वाटर देना है। दोस्तों देखिए सारा विटामिन इसमें दिया हुआ है, आपको अगर ध्यान से देखिएगा तो सब चीज़ें इसमें नज़र आ जाएगी। कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो बच्चे को चाहिए और इसमें नहीं है, सारा विटामिन इसमें दिया हुआ है। आप गौर से इसको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब देखिए इसको रेडी करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। इसको रेडी करने का तरीका ये है कि 30 मिलीलीटर गुनगुना पानी कीजिएगा, आप हल्का सा गर्म कर लीजिएगा पानी को, उस पानी को गर्म करके 1 चमचा दवाई आप इसमें डाल दीजिए। देखिए याद रहे कि जब आप जिस बर्तन में आप पानी गर्म कीजिएगा वो बर्तन बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना दे। आप उस हल्का सा गुनगुना पानी गर्म करने के बाद 1 चमचा 30 मिलीलीटर वाटर में 1 चमचा दवाई दे के उसको घुल लीजिए। फिर उसको ठंडा करने के बबाद बच्चे को बिल्कुल दे दीजिए, दिन में 3 बार 4 बार 2 बार आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को 3-4 मरतबा भी आप दे सकते हैं, कोई परेशानी वाली कोई बात बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आई होप कि आपको मुझे जो आपको समझाना था आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए फ़िलहाल के लिए, बाय।